no protesting group shall be allowed to clone teachers by some protesting students. ये जो कैंपस में हालात बने हुए हैं कुछ अरसे से, जो स्टूडेंट्स की स्ट्राइक थी, अनरेस्ट था, तो जो भी उनकी डिमांड्स थी वो हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, वो कैंपस में चलता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें होती हैं, एक एक्टिविज्म होना चाहिए, पॉजिटिव एक्टिविज्म होना चाहिए, टीचर्स आर नेवर एडवर्स टू दैट। लेकिन अभी इसमें, इस सिलसिले में क्या हुआ कि 12 अप्रैल को थर्सडे को हमारी जो नेगोशिएशन टीम है उसमें हमारे टीचर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत कर रहे थे, तो अब स्टूडेंट्स की जो कुछ डिमांड्स हैं कि नहीं टीचर को हटा दो या कोई भी जो कुछ उनकी ऐसी डिमांड्स थी जो हम टीचर्स को भी मंजूर नहीं है और वो हमारी आनर और डिग्निटी को टच करती हैं, तो उसमें कई नेगोशिएशन टीम के बीच में उनका जो भी एक डिफरेंस रहा होगा, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि टीचर्स को वहाँ पे होस्टेज बना दिया, बंदी बना दिया। यानी कि आप सोचिए, किसी आज तक हिस्ट्री में हमने कभी भी नहीं सुना है, ना हमने कहीं पढ़ा है कि विद्यार्थी जो है वो अपने टीचर्स को बंदी बनाते हैं किसी भी डिमांड पे। और बंदी भी क्या बनाया जनाब, 9.5 घंटे तक उन लोगों ने वहाँ पे हमें बंदी बनाया और हमारी किसी भी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी भी करी, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे स्टूडेंट्स इस लेवल तक जा सकते हैं। और फिर उसके बाद कहीं जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेस किया, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये हाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई अपनी इतनी कोशिश नहीं करी कि वो टीचर्स को वहाँ से छुड़ाएं जो कि उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। टीचर्स तो एम्प्लॉइज है ना यूनिवर्सिटी के, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी, हमारी डिग्निटी, आनर का रिस्पांसिबल कौन है? हमारा इंस्टीट्यूशन। लेकिन वो लोग भी सामने नहीं आए, और उस वक्त जो भी हम टीचर वहाँ पे पहुँच पाए थे उस सपाट पे, हम लोगों ने अपने सोच से, अपनी समझ से जो इसको एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज़ किया, या बाहर हमने जो लोगों को कॉन्टैक्ट किया, उस वक्त कहीं डिविजनल कमिश्नर को बीच में आना पड़ा, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मैं नहीं समझता कि उनका कोई आना ज़रूरी होता है।